इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी, ये पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। 25 दिसंबर को दरअसल मेजेंटा लाइन का उद्घाटन होना था और यहाँ पर दीवार तोड़कर कालिंदी कुंज डिपो में ट्रायल रन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। शुक्र है, गनीमत है कि ये ट्रायल रन हो रहा था। क्या किसी को चोट पहुंची है, ये अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये मेजेंटा लाइन का दरअसल उद्घाटन होना था और यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकल गई है दिल्ली मेट्रो। अजीत बताएं क्या क्या डिटेल्स मिल पा रही है, सबसे पहले किसी को चोट तो नहीं पहुंची और ये कैसे हुआ हादसा? देखिए आचल जी, मैं बताना चाहूंगा ये ट्रायल रन हो रहा था जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर उद्घाटन के लिए 25 तारीख को आना है, तो उस बाबत जब ट्रायल रन चला था, ट्रायल रन के दौरान ही दोपहर का ये हादसा है जब ड्राइवर बैक कर रहा था, बैक करने के दौरान ही ये मेट्रो पीछे की तरफ से दीवार तोड़ते हुए बाहर टक गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस दौरान कोई यात्री नहीं था और ये ट्रायल रन के लिए गाड़ियां खड़ी करने जा रहा था, उस दौरान ये गाड़ी स्लिप की, स्लिप करने की वजह से ये पीछे की दीवार तोड़ते हुए हिस्सा इसका बाहर आ गया। तो ये है कि सबसे बड़ा हादसा। अजीत, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या लापरवाही भी लग रही है और कोई इंक्वायरी इस बाबत शुरू की गई है? बिल्कुल साथियों, पर डीएमआरसी का यही कहना है कि इस बाबत हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं, आखिर गलती कहां से, क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, क्योंकि एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। अगर उस समय हादसा होता तो बहुत ही बड़ा दुखदायी समाचार होता, लेकिन ये चैलेंज के दौरान इस तरह के हादसे होना, कहीं ना कहीं मेट्रो पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर ये कमियां रही, चूक कहां से हुई, क्या ये किसी ड्राइवर की मिसबिहेव की वजह से रहा या गाड़ियों में टेक्निकल प्रॉब्लम रही, इन्हीं बातों की जांच के लिए अब कमेटी बैठाई जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। डीएमआरसी की तरफ से अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द ही इस पर कमेटी बैठेगी और इस इंक्वायरी करेगी कि चूक कहां से हुई और उस चूक के बारे में पूरी छानबीन की जाएगी। लेकिन बड़ी लापरवाही जो दिखाई दे रही है उसे साथ में जाहिर हो रहा है कि मेट्रो में एक बड़ा हादसा होते होते संभल गया। बिल्कुल अजीत, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से दीवार तोड़कर यहाँ पर मेट्रो निकली है, तो अब ये भी सवाल उठता है कि क्या ये ड्राइवर अगर चला रहा था तो उसने कहाँ, उससे चूक हुई लग रही है प्रथम दृष्टया। ये देखिए साफ तौर पर है, प्रथम दृष्टया ये है कि जब ये वर्कशॉप की तरफ, मेट्रो की तरफ पार्किंग ले जाता है, उसे शायद डिस्टेंस या फिर उस चीज का आभास नहीं होगा कि पीछे कहां तक इसकी लास्ट बैरिकेडिंग है। हो सकता है कि जब मेट्रो को ये भी चाहिए कि लास्ट तक एक जो लोहे की बैरिकेडिंग होती है वो बैरिकेडिंग वो नहीं बना पाए जल्दीबाजी की वजह से, एक ट्रायल रन में जो बेसिक चीज होनी चाहिए वो बेसिक चीज में थोड़ा सा चूक हम कहें डीएमआरसी को साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक सेफ्टी मेजरमेंट लेने चाहिए वो सेफ्टी मेजरमेंट यहां पर नहीं ली गई। अगर ली गई होती, लाइटिंग होती, तो ये चूक नहीं होता। तो इन्हीं बाबत को लेकर अब डीएमआरसी पे तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और डीएमआरसी इस बाबत लेकर इंक्वायरी भी कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या जो मैकेनिकल है डिपार्टमेंट उसकी चूक हुई है या ड्राइवर की चूक हुई है या फिर वहां पे जो स्टेशन में मौजूद जो स्टेशन अधीक्षक है उसकी चूक है। तो तमाम तीनों पहलुओं को लेकर अब छोटी सी इंक्वायरी सेटअप की गई है। अब देखना होगा कि इंक्वायरी के बाद से क्या कुछ स्टेप मेजर डीएमआरसी उठाती है। आचल जी जी, अजीत ये भी पूछना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को ही इसका उद्घाटन होना था, तो अभी क्या ये अपडेट मिल पा रहा है कि इस हादसे के बाद, क्योंकि ट्रायल रन दोबारा होगा या फिर क्या और मेजर्स लिए जाएंगे? हो सकता है कि अब एक तरह से तलवार उस उद्घाटन पर भी लटक गई हो, इस बाबत कोई अपडेट? देखिए साफ तौर पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि समय है, अब उस समय को लेकर क्या मेट्रो, जिस हिसाब से अगर आपको याद होगा पहले भी दौरान में जब जबलपुर का हादसा हुआ था फ्लाईओवर में, कई बार फ्लाईओवर नीचे गिरे थे, कई मजदूर भी घायल हुए थे, कईयों की मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी देर सवेर ही वहां पे लाइन बिछी। वैसे ये भी है, ट्रायल रन यहाँ पे हो तो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई कि कोई प्रोग्राम में तब्दीली या कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं। डीएमआरसी ये चाह रही है कि ये ट्रायल रन था, उस ट्रायल रन की वजह से ये एक चूक जो है सामने नजर आई है, ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा ये बात भी सामने कह रही है, लेकिन प्रोग्राम में अभी ऐसी कोई तब्दीली या चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या इस प्रोग्राम को लेकर फेर बदल पीएमओ की तरफ से कुछ होता है या नहीं, ये दिलचस्प होगा। क्योंकि इस ट्रेन के ऊपर ज्यादा लोग सवार नहीं थे, जिस तरह से आपने अजीत बताया, तो एक बड़ा हादसा बच गया नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद क्या ये अपडेट मिल पा रहा है कि जो लोग थे इसके अंदर क्या उनको चोटें आई हैं, इस बाबत कोई अपडेट? अभी अगर हम बात करें तो कोई हादसा या किसी तरह के किसी को चोट लगने का नहीं, क्योंकि ये गाड़ी जो मेट्रो जो थी वो पीछे की तरफ से बैक हो रही थी, बैक होते समय ही इसका जो पोर्शन था वो दीवार तोड़ते हुए बाहर तक आ गया था। तो एक
कहे तो एक बड़ा हादसा, अगर बैक आता थोड़ा और बैक आता तो ये नाला है और इसी नाले में ये आगे का बोगी गिरता तो साथ ही साथ पूरा मेट्रो बाहर आ जाता। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जो हम कहे तो मेट्रो के लिए क्वेश्चन सी भी होगा, लेकिन एक चूक जो थी, एक लापरवाही, वो अब मेट्रो कैसे उसे सुधार करेगी, वो मेजर प्रिकॉशंस कैसे लेगी, अभी तमाम सवाल मेट्रो तय करेगी और उसका सुधार कैसे करेगी ये देखा जाएगा। अजीत और प्रत्यक्ष दर्शियों का क्या कहना है ये भी हम तक अपडेट पहुंचाइएगा। फिलहाल दिल्ली में मेट्रो दीवार तोड़कर बाहर निकल आई है। कालिंदी कुंज डिपो में यह हादसा हुआ है जहां पर मेट्रो दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। ये ड्राइवरलेस मेट्रो थी जिसका ट्रायल रन चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। नोएडा के बोटानिकल गार्डन तक चलने वाली ये मैजेंटा लाइन मेट्रो का ट्रायल था जिसके दौरान यह हादसा हुआ है। और आप तस्वीरें इस हादसे की देख सकते हैं कि ट्रायल के दौरान कैसे जो मेट्रो है बेकाबू होकर उसने दीवार तोड़ी और दीवार के बाहर निकल आई। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से इस मेट्रो को चलना था रेगुलर रूट पर, लेकिन उससे पहले ट्रायल के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ड्राइवरलेस मेट्रो का ये ट्रायल था जिस दौरान हादसा हुआ, बिना ड्राइवर वाली मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे की बात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कालिंदी कुंज डिपो में यह हादसा हुआ है जहां पर ये मेट्रो दीवार तोड़कर बाहर निकल आई। ये देखिए बाहर की ओर निकल आई और लगभग इसका काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो बाहर की ओर लटक गया। 25 तारीख से इस मेट्रो को पटरी पर दौड़ना था, लेकिन उससे पहले के ट्रायल में ये बड़ा हादसा एक लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। किस लेवल पर, किस स्तर पर यह लापरवाही हुई है यह भी जांच का विषय है, लेकिन यह बहुत गंभीर हादसा है। कालिंदी कुंज डिपो में दीवार तोड़कर यह मेट्रो बाहर निकल आई। और न्यूज रूम से इस वक्त राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। राकेश कुमार सिंह, ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है, ये किस तरह से हादसा हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट इसके बारे में मिल पाई है, किस तरह की लापरवाही रही है? देखिए कहीं न कहीं ये लापरवाही है, क्योंकि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे और आज ट्रायल रन इसका किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैजेंटा लाइन जो कि खासा महत्वपूर्ण है बॉटनिकल गार्डन से लेकर इसकी जो जिस तरह से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाकर इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आज ट्रायल रन में ये पूरी तौर पर असफल रही। और आपने देखा टेलीविजन स्क्रीन पर आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से दीवार तोड़कर जो है ये मेट्रो बाहर निकल आई। तो कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से मंत्रालय से जानने की कोशिश की तो इस पर पूरे मामले को लेकर जांच किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने वाले थे। बिल्कुल, और इस मेट्रो को लेकर हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे दें कि हम लगातार इस मेट्रो से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखा रहे थे इंडिया न्यूज पर, और हमने आपको बताया भी था कि ये जो पूरा रूट है इस पर 9 मेट्रो स्टेशन हैं जो कि नोएडा को साउथ दिल्ली से जोड़ने वाली ये मेट्रो थी। 25 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले इस तरह का बड़ा हादसा ये किसी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। ये किस तरह से हुआ राकेश कुमार सिंह, अभी तक इसके बारे में कुछ पता चला है? ड्राइवरलेस मेट्रो थी यानी कि पूरी तरह से टेक्निकली इसको कंट्रोल किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फेल्योर इसमें रहा है जिसकी वजह से हादसा हो गया? देखिए भाई, ये अत्याधुनिक मेट्रो है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसे ड्राइवर लेस, ये जो मैजेंटा रूट है ये ड्राइवर लेस रहेगा, और इस बाबत जो है आज ट्रायल रन किया जा रहा था, लेकिन ट्रायल रन में आपने देखा कि कालिंदी कुंज में ये दीवार तोड़कर आगे निकल जाती है, तो ऐसे में कई सवाल, सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 25 दिसंबर को जो कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे, तो अब क्या होती है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो राकेश, ऐसे में कुछ खबर मिल पाई है कि जो अब इसका उद्घाटन था वो शेड्यूल्ड रहेगा या उसमें अब कोई फेरबदल किया जाएगा, इसको और टेक्निकली साउंड बनाने की कोशिश की जाएगी, फिर इसको पटरी पर उतारा जाए ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उनकी पुनरावृत्ति उस वक्त ना हो जब इसमें बहुत सारे यात्री सवार हो? देखिए कहीं न कहीं इस घटना से कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा जांच, क्योंकि आज जो है ट्रायल रन था और इसमें ये मेट्रो असफल रही, तो ऐसी स्थिति में पूरी तौर पर सुरक्षा जांच किया जाएगा, उसके बाद ही
प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। मेट्रो के प्रवक्ता से मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट ली जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है अभी तक शेड्यूल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ है और मेट्रो जो है वो दीवार तोड़ती हुई उस पार निकल गई, लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ ट्रायल रन था, इस पर यात्री सवार नहीं थे, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल